क्लास फाइव देखें बेटा, एक्सरसाइज 2.2 आपका क्वेश्चन नंबर वन है। आपने मल्टीप्लाई करना है, हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब है आपने टेबल्स पढ़ने हैं इसके। तो देखिएगा सॉल्यूशन में आते हैं मेरा बच्चा। सॉल्यूशन में आने के बाद आपने सवाल को लिखना है 293343 और मल्टीप्लाई करेंगे आप 94 से। ठीक है, पहले आप 4 का टेबल पढ़ेंगे इन सब पर, जो बचेगा नीचे लिखेंगे इसी के। तो फिर आप 9 का टेबल पढ़ेंगे इन्हीं सब के ऊपर। 4 से पढ़ेंगे तो बेटा देखें 4 3 12 12 में से 1 ऊपर कैरी दे देंगे और 2 को नीचे लिखेंगे। 4 4 16 16 1 प्लस करेंगे तो बेटा 17। इस तरीके से 4 3 12 1 प्लस करेंगे तो 13। 4 3 12 1 प्लस करेंगे तो 13 और 4 9 36 1 प्लस करेंगे तो 37। इस तरीके से 4 2 8 9 10 11 आपके पास क्या आ जाएगा 11। मल्टीप्लाई का अगला स्टेप शुरू करने से पहले आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे पहले डिजिट के नीचे और फिर आप 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 27 इधर मेरा बेटा 2 पर कैरी। 9 4 36 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा 36 में 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 38। 9 3 27 3 प्लस करेंगे तो 30। इस तरीके से 9 3 27 3 प्लस करेंगे तो 33। इस तरीके से 9 9 81 में 3 प्लस करेंगे तो 84 और 9 2 18 में जब आप 8 प्लस करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 26। इस स्टेप पर आपने आके इनको ऐड करना है। 2 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो बेटा 2, 7 में 7 ऐड करेंगे 14। इस तरीके से ये हो जाएगा 12, यहाँ पर 4, इधर 0, 1, 10 हो जाता है। 4 + 1 5 और 1 प्लस करेंगे 6, 6 + 1 7 और ये 2 आपको ऐड करना आता है। इस वजह से मैंने थोड़ा स्पीड में किया। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरीके से आप इस वाले सवाल पर आ जाते हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे मेरा बेटा। सवाल उतारेंगे 719321 और मल्टीप्लाई कर देंगे मेरा बेटा 77 से। 7 1 7 7 2 14 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 7 3 21 1 प्लस करेंगे तो 22। ठीक है मेरा बेटा, इसी तरीके से 7 9 63 2 प्लस करेंगे तो मेरा बच्चा 65। फिर 7 1 7 और 6 प्लस करेंगे तो 13 और 7 7 49 1 प्लस करेंगे तो बेटा कितना आता है आपके पास 50। आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लाएंगे डिजिट के नीचे, फिर 7 से दोबारा सबको मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ भी आपने 7 से किया था, यहाँ भी आप 7 से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर आपका यही आएगा जो पहले आया। आप उसी को डिजिट्स के नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और फिर लास्ट में आपने क्या करना है मेरा बेटा, इसको ऐड कर लेंगे। 7 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 7 बचेगा। 4 ऐड करेंगे तो 11 बनेगा। 4 2 5 6 और 1 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 7 होगा। 5 + 3 8 3 में 0 3 5 में 0 5 और 5 में 5 में 0 5 आपके पास ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा।